नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आइए जानते हैं आज के समाचार पत्रों का सार। संसद का मानसून सत्र कल समाप्त हो गया है, इसी संदर्भ में आज के समाचार पत्र भरे हुए हैं। कुछ के अनुसार विपक्ष सभी का ध्यान खींचने में कामयाब रहा है, तो कुछ मान रहे हैं कि बीजेपी और ज्यादा ताकतवर हुई है। राहुल गांधी के बाद अधीर रंजन, राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन की सांसदी रद्द होने अथवा संसद से निष्कासन को विपक्ष सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में समय बर्बादी को लेकर बीजेपी की हावी राजनीति समय की मांग थी, ऐसा समाचार पत्रों का भाव है। हालांकि इन सब के बीच मणिपुर और हरियाणा की वर्तमान स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुल मिलाकर इस सत्र की समाप्ति के बाद ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि तमाम राज्यों में जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, उससे सरकार कैसे निपटती है। इन सब के बीच अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार ने 3 नए विधेयक प्रस्तुत किए हैं। साथ ही पहचान छिपाकर विवाह करना अब अपराध की श्रेणी में होगा। इन्हीं संदर्भों के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं और अनुरोध करते हैं कि समाचारों की प्रामाणिकता सार्थक करने वाले प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्रों को आप खरीदें, पढ़ें, क्योंकि इनमें भ्रामक खबरें नहीं छपती हैं। बाकी कल तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।